फैसला किया है। अब 26-28 नवंबर सारे देश में एक दिन रात का भरावट का फैसला किया है वो हम अध्यक्ष में 2-3-4 अक्टूबर में करेगा। हमारा क्या फैसला होगा इसमें सबसे किसान भी हम खुद का संग्रह भी हमारा चुनावी आना है। ये चुनाव में भी हम ये आंदोलन का बड़ा प्रभाव होगा। हम पक्का करेंगे ये मोदी जी का सरकार को हराना चाहिए, हरा के एक निगम की सरकार मजदूर किसान मजदूर है ना। मेरा ही शब्द चला गया, आपका शब्द चला गया नहीं है ना। सब लोग बोलेगा क्या किसान मजदूर रहेगा ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम मिलना चाहिए। छोटी वाले बीके अच्छा बीके और मेरे सामने उपस्थित शिव सिंह जी आपसे स्टार्ट करूँ। किसान अरे सबको छोड़ दो बाबा। हम लोग दोस्तों नमस्कार, आज आप किसान सम्मेलन में आप किसान मजदूर ये वोट लगाए हुए हमारे समक्ष महानुभाव हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या मजबूरी है, क्या ऐसी परिस्थिति है कि आप किसान संगठन में हैं सम्मेलन में आप ये कैदी जैसे पहन के आप आए। देखिए अगर मैं किसानों की कहानी हम किसानों की कहानी बताने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किसानों की दुर्दशा जो सरकारों ने की है और कानून की बेड़ियों में जकड़ रखा है, कर्ज की बेड़ियों में जकड़ रखा है, किसानों के साथ जो खुलेआम सरकारों द्वारा अन्याय किया जा रहा। आज मैं चूंकि किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें तय हुआ है कि 2 अक्टूबर को हम गांधीवादी तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समझाने का काम करेंगे कि समय रहते मान जाइए, ये किसान है, ये अन्नदाता है, अगर इसके साथ अन्याय होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तुम्हारी कानूनी बेड़ियां ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, तुम्हारे ये फर्जीवाड़े ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है, कर्ज से किसानों को मुक्त करो। और जो लगातार बिजली के माध्यम से आपने लूटने का काम किया है उसको भी तत्काल बंद करो। ये आज आह्वान हमने किसानों साथियों से किया है कि कब तक इन बेड़ियों में जकड़ के रहोगे आप तमाम किसान एक होके खड़ा हो और इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम करो। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि आपने ही किसान नहीं संगठन के ही बैने तले आज ने सम्मेलन में आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो आप कैदी के रूप धारण किए ये किस उससे आपने कैदी का रूप धारण किया। ये जो मैंने अपने साथियों को बताने का काम किया उनसे अब विचार करने के लिए कहा है कि हम सरकार जो हमको गुलाम बनाना चाहती है, जो बेड़ियों में जकड़ना चाहती है, हम उन बेड़ियों में जकड़ने वाले लोग नहीं है। जो ये बेड़ियां सरकार लगातार चाहे जहां फर्जी अपराध कायम करके किसानों को डाल देने का काम करती है। आज मैं इन सभी किसानों से आह्वान करने आया था कि तैयारी से आइए, हमको एक गुलामी की जंजीरों को गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है और हम गांधीवादी तरीके से 2 अक्टूबर को भोपाल में तोड़ने का काम करेंगे। अभी हमारे किसान के नेता ने कहा कि हम 2 अक्टूबर को शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से सरकार को दिखाएंगे कि हम किसान क्या है। अभी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या नाम है आपका, किसान क्या है? मैं डॉक्टर AK खान हूँ, किसान संयुक्त मोर्चा किसान संघर्ष समिति का, किसान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष। कहाँ से आए सर आप? मैं कटनी जिले से आया हूँ। दोस्तों किसान अभी कटनी से आए हुए, देखो इनका कितना जज्बा है। इन्हें कह रहे हैं कि हम शिवराज सरकार को अगर नहीं समझी तो मैं इसको फाड़ फेंकूंगा।